जिसमें एक लेडीज जो चेन्नई बेस इंडस्ट्री है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पीएमओ में सीएमओ में ट्यूटर जो पेज है वहाँ पे पूरा मेरा नाम को जो है एक 12.45 करोड़ मैंने उसे लूटा है, फ्रॉड किया। हर एक किरण रिजिजू का पेज में डालता है, हम अरुणाचल सीएम का पेज में डालता है और अमित शाह का पेज में डालता है। मैं काफ़ी वन वीक से दिख रहा था और काफ़ी मेरा फ्रेंड मेरा जितना भी जानने वाला लोग मैंने मुझे पूछा है ऐसे क्या कैसे हो गया आपका नाम को तो पूरा वो ये कर रहा बदनाम कर रहा है। इसलिए मैं ये चीज़ के लिए मैं क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया हूँ। देखिए सबसे पहला बार है ये लोग को मैं जानता नहीं हूँ। ये लेडीज़ है जो लड़की है जो हमको बदनाम कर रहा है, मैं उसको लाइफ में देखा भी नहीं हूँ, लाइफ में सुना भी नहीं हूँ और ना मेरा लाइफ में उसको मैं ये जो जानता हूँ। तो वो लड़की जो इतना हमको हिम्मत से बोल रहा है कि उसका पैसा मैंने लूटा है, आप सुप्रेसिडेंट अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट पूरा मैंने उसका मेंशन करके लिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मीडिया का थ्रू वहाँ पहुँचना चाहिए। तो मैं उसको जो आर्गू नहीं है, मैं एक क्लैरिफिकेशन, अगर रियली उसका पैसा को कोई ले आया तो हम चाहते हैं कि थ्रू लो का हिसाब से उसको जो है कार्रवाई करना चाहिए। तो बाद में ये केस इस सिलसिला में पहुंचा है कि ये जो है लास्ट दो साल 2019 का ये जो है 17/7/2019 में एक एफआईआर आया है जो एसआईटी ईटानगर में, वो एफआईआर में जो मेंशन क्लियर कट किया है कि मेरा नाम हवाबंग का नाम भी इसमें शामिल है। एसआईटी का कोई ऑफिसर पादी पायंग बोल के मुझे बताया, एसआईटी का जो ऑफिसर जो मुझे बताया प्रेसिडेंट साहब आपका नाम से जो है मनी जो फ्रॉड केस में जो है कंप्लेंट आया है। तब मैं उसको जो जाके मैंने मिला है, उसके बाद एसपी जो बरार साहब को मैंने मिला है एसआईटी का, तो मुझे पता चला है कि ये आदमी को मुझे एक रोहित दास जो बचपन से मैं इसको जानता हूँ, बहुत छोटा से मैं इसको जानता हूँ, तो रोहित दास ने मुझे ये लोगों को मिलाया था जो अमरनाथ जो एम अमरनाथ बोल के कंप्लेनर हैं जो एफआईआर किया है, और एम अमरनाथ को भी मैं रियली में भी मैं जानता नहीं हूँ। मैं एफआईआर का पहले और ये अपील का पहले मैंने रोहित दास ने मुझे अपील किया है कि ये लो एक इन्वेस्टर है एक ग्रुप है और ये लो अप्रोच कर रहा है कि अरुणाचल में इन्वेस्ट करेगा, इसलिए आप थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिशियली या बिजनेसमैन को थोड़ा एक दो को बड़ा पट्टियों मिला दो। ऐसे बोल के मैंने एक दो जगह में उसको जो है मिलाया था। तब जाके अमरनाथ हो कुछ ग्रुप है उसका नाम मैं एक का भी मालूम नहीं हूँ, और मैंने दो बार इसको ले गया था किसी का पास में, वहाँ से क्लियर कट बोला कि वो लोग का प्रपोजल नहीं होगा, हम लोग पास में ऐसे इन्वेस्ट करने का ऐसे काम देने का कुछ नहीं है, प्रपोजल वो लोग को ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये अमरनाथ हो रोहित दास हो ये हो हम ये क्या ये चीज़ के लिए जो अभी प्रपोगंडा कर रहे हैं हमका 12.45 करोड़ को पर मुझे मालूम नहीं है। रोहित दास को तो ऐसे ब्रदर ऐसे सीनियर बचपन से मैं जानता हूँ, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। या मैं चार्जशीट में मैं दो दिन से पढ़ रहा था, चार्जशीट को मैंने निकला है दो दिन से पढ़ रहा था, या मैं एक्यूज बनाया गया है पूरा ये का ये जो है एपिसोड का एक्यूज बना रोहित दास है, इसके बाद जो है रूपम शौकिया है अरुण कुमार सिंह वो के एक है। तो वो बीच में
इंक्वायरी जब चल रहा था, मेरा नाम भी वहाँ में आ गया था एफआर में. मैंने मेरा लीगल एडवाइजर को बोल के मैंने एक ये जो है डिफेमेशन केस डाला था. तो डिफेमेशन केस में भी यूपीआर से डिसमिस किया गया, ये डिफेम नहीं बनता है ये. अच्छा, तो ऐसे होके उसको डिसमिस किया गया था. अभी भी तो 2 ईयर के बाद जो है एक लेडीज़ ने बार बार मेरा नाम लेके पूरा बदनाम कर रहा है. तो आपको मैं बता दूंगा कि ये पैसा को रोहित दास ने किस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट को यूज़ किया. ऐसे सीनियर, ऐसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन वो मेरा काम में थोड़ा दौड़बाग कर देता है. एक दो छोटा काम में भी हम दोनों पार्टनर में काम किया है. तो एक ब्रिज ऑफ ट्रस्ट होता है ना, दोनों आपस में एक जो ये बिलीव होता है उसको जो है उसने तोड़ दिया. क्योंकि मैंने तो मेरा डॉक्यूमेंट को मैंने इसका ये एक मेरा फार्म एक है लोमायमा इंटरप्राइज है जो लिख रहा है लेडीज जो है सही है. लेकिन रोहित मालूम है कि मेरा फार्म जो है नाम जो मेरा फार्म का नाम है लोमायमा इंटरप्राइजेस है. तो वही सेम नाम से जो है रोहित ने विजय बैंक में एक अकाउंट खोला है. इसमें कौन क्या है कौन क्या नहीं है मैं मालूम नहीं हूँ. मैं मुझे जब पता चला कि पादी पायंग जो आई होता SIT का उसने हमको बताया कि आपका नाम से इतना पैसा भेजा गया है. तो मैंने वहाँ पूछा है तो हाँ खुला है. नो मैं चेक भी किया था क्या पैसा है कितना पैसा वो मुझे मालूम नहीं था. मैं किसी को मेरा इंटरप्राइज का को जो लोमायमा को किसी को मैंने ऑथोराइज नहीं किया है खुलने के लिए, किसी को यूज़ के लिए नहीं दिया है. सिर्फ रोहित दास को मैंने मेरा फार्म का जो फादर जो रजिस्ट्रेशन के लिए PWD में रजिस्टर के लिए मैंने जो है फार्म को मेरा कुछ एक्सपीरियंस को जो है और दिया था एक ट्रस्ट का एक बिलीफ का हिसाब से दिया था. वो कागज़ को जो है पूरा माने हमको कोई कम्युनिकेट नहीं करके पूरा ओलो जो है दूसरा चीज़ में यूज़ करा मुझे मालूम नहीं है. फिर जो विजय बैंक में मैंने जाके देखा है तो वालोमायमा इंटरप्राइज है, SIT भी मालूम है या रिकॉर्ड में भी है. और वहाँ देखा है तो मेरा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है. वहाँ का लोमायमा का जो प्रोप्राइटर है आकाश दौलो बोल के है और वहाँ में जितना भी डॉक्यूमेंट दिया गया है कि रूपम सोकिया बोल के है, रोहित का भी होगा, ये SIT में पूरा रिकॉर्ड है. SIT में मैं जो है चार्जशीट में भी क्लियर कर लिखा थी ये फेक लोमायमा इंटरप्राइज खुला गया है, इसमें जो है मेरा कोई एक रुपया का ट्रांजेक्शन नहीं है. तो आप इतना बड़ा कंपनी है, आप इतना मैं जानने वाला है, आप CMO PMO सब तक पहुंच सकता है, आप हर एक अरुणाचल को आप ये जो है फ्री आप किसी को नहीं जानने वाला को 12 करोड़ दे सकता है. तो आपका पास तो बहुत पैसा होता होगा. मैं इसलिए आपको एक लेडीज़ है या मैं ये जो विद्या अमरनाथ बोल के एक लेडीज़ है और पीटरसन जो एनर्जी बोल के इसका कंपनी है उसका वहाँ से मैं पैसा को मैं कभी नहीं ले दिया. मैं ना मैंने कभी पैसा मांगा है ना मैं उसको जानता हूँ ना वो पैसा देने का पहले ना मैंने मुझे कम्युनिकेट किया है ना ये जो है हम लोग बिजनेस का टॉक किया है ना उसको हम कभी भी मिला है. तो इसलिए एलिगेशन इस प्रकार होगा. इसलिए मेरा एडवाइज़र जो लीगल एडवाइज़र थ्रू उसको मैं कार्रवाई मैंने कानून का साथ लेके मैं कार्रवाई करूँगा. और रोहित सोकिया हम दोनों का ये जो है बिजनेस जो है छोटा मोटा लेन देन है SIT को मैंने पूरा स्टेटमेंट कर दिया. मैंने जो हमको पूछा था मैंने बता दिया SIT को रोहित हम दोनों का रिलेशन क्या है बिजनेस क्या है वो ऑन रिकॉर्ड में है या मैं जो है SIT का चार्जशीट है क्लियर है किसका एक्यूज है कौन एक्यूज है कौन नहीं है किसका नाम है. तो इस प्रकार से मैं और विद्या अमरनाथ को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा जो अपना काम है तुम्हारा ऊपर में तो हम करेगा ही करेगा ये का लेके थ्रू लो का सपोर्ट लेके करेगा ही करेगा. लेकिन आपका पैसा को आप अरुणाचल में किस किस को बेचता है ऐसे ऑल ओवर इंडिया में किस किस को बेचता है. रोहित दास को मैंने काल प्रसंग कूट मैंने बुला के बात किया पैसा ले दिया तो रिटर्न कर दो तुम मेरा लोमायमा का ये को नाम को क्यों यूज़ किया गया एकदम जॉबलेस है वो आदमी यहाँ फ्रीली घूम रहा है उसको हम जानता हूँ मेरा थोड़ा मोड़ा काम कर देता था. तो ये चीज़ जो पैसा लेने वाला यहाँ है ऑलरेडी वो जेल भी भेज चुका है वो आदमी चार्जशीट भी क्लियर है 2 साल पहले का है. रोहित दास जो है
हमको इतना अच्छा से करप से यूज़ किया गया है, इसलिए उसको भी मैंने एफर लॉस मैंने अभी आप लोग का यह ख़त्म होने में जा रहा हूँ। क्योंकि रोहित दास अच्छा से मालूम है लोमा यमा इंटरवेल मेरा है, जनते हुए इंटेंशनली वही फार्म सेम फार्म खुल के हमको बदनाम किया गया है इंटेंशनली। एम अमरनाथ लो बैठ के, वेंकटास बोल के एक बैठ के पूरा रिकॉर्ड है, अरुण कुमार सिंह बैठ के इंटेंसली मेरा सेम नाम में ये जो कुल के जो किया है। और रोहित को मैंने डॉक्यूमेंट जो दिया था एक कन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो मेरा फार्म का जस्ट रजिस्टर के लिए PWD में कंटेक्ट तो रजिस्टर के लिए मैंने दिया था, उसको जो पूरा वहाँ में सेंड कर देता है। कभी भी कभी बताया ये जो अमरनाथ बोलने वाला आपका फार्म में इतना पैसा दे रहा मैं दे रहा हूँ, हमको कभी बात हुआ है क्या? ना टेलीफोनिक, ना उसका नंबर मेरा पास है, ना उसको हम कभी बात किया है बिजनेस के सिलसिला में। उसका वाइफ ना क्या है डायरेक्टर पीटरसन एनर्जी होके, इसका डायरेक्टर वाइफ ना क्या है वो जो हमको इतना इलीगल डाल रहा है, इसलिए मैं लीगली सपोर्ट के उसको तो मैं भी कार्रवाई करूँगा। और मैं तो चाहता हूँ कि SIT को मैं चाहता हूँ आप अमरनाथ को बुलाइए, एम अमरनाथ को बुलाइए, और विद्या जो लड़की है वो अमरनाथ को बुलाइए। मेरा एग्रीमेंट का है, मेरा मीटिंग कब हुआ है तुमको, हम कब तुमको बिजनेस के बारे में बात हुआ है, जो भी किया है तुम लोग अपना एक प्लानिंग का साथ में करने के बाद जो है रोहित दास मेरा स्पेक में सुबह शाम दिन रात मेरा नाम लिया होगा, लोमायमा इंटरव्यूज का नाम लिया होगा, जो तुम लोगों को जो बदू बनाया है वो जेल भी जा चुका है, और ये पुलिस का SIT का रिकॉर्ड में भी एक्यूज है, सब कुछ है। और मैंने पादी पायंगो मैंने पूछा था जो अकाउंट में अमाउंट आया है, जब लास्ट 2017 में अमाउंट आया है उसका जो है अमाउंट जो है 3-4, 5-6 लाख सिर्फ ये ड्रॉ किया है, क्या लगता है ये जो है केस में SIT रिपोर्ट में उसका रेस ऑफ चीज अकाउंट में गया ना, अकाउंट टू अकाउंट में गया है, कौन कौन लिया आप पूछ लो ना उसको। इसलिए हम भी चाहते हैं कि कोर्ट को भी मेरा अपील है, इसको जल्दी से आप कार्रवाई कर देना है, पुलिस को भी मेरा रिक्वेस्ट है जल्दी से कार्रवाई कर देना है, क्यों नहीं होगा। मेरा अकाउंट HDFC में एक है, मैंने सेम अकाउंट में, और स्टेट बैंक में एक है नालंदा, और यहाँ में इंडसइंड बैंक में एक है, और वहाँ तो चेक करो अभी भी कुछ नहीं है बिल्कुल पैसा तो नहीं मेरा उसमें मेरा लोमायमा में हाँ मैं कूदूँ वो तो। और अभी वाला इसलिए तो इसको कोई प्लानिंग कोई रोहित ही किया है क्योंकि वो मालूम है पहले से। अभी का जो कंफ्यूजन हो रहा है, अभी का जो लोमाया में जो आप लोग पैक है बोल रहा है उसमें प्रोपेटर किसका नाम है? आकाश दौलवाल के नाम। तो उसी का नाम पे वो अकाउंट भी खुला होगा? उसका नाम से ही खुला है, और फोटो भी उसका है, और डॉक्यूमेंट भी मेरा उसने यूज नहीं है, टुकड़ा भी उसने मैंने देखा है, मैं खुद SIT का हेल्प से फर्म का नाम खाली यूज किया गया, खाली यूज किया गया इंटेंशनली, सिमिलरली यूज किया गया कि लेकिन रोहित दास को पता है कि मेरा फार्म लोमायमा है, मेरा नाम और मेरा फार्म को यूज किया गया ना। ये फार्म लाइसेंस वगैरह ये सब जो ट्रेडिंग लाइसेंस है उसको यूज किया है फिर आकाश दोनों नाम से खोला करें? नहीं मेरा एक भी यूज नहीं किया, सिर्फ नाम को यूज किया है, ओनली नेम का यूज किया, मेरा डॉक्यूमेंट इसमें कोई नहीं है इन्वॉल्व नहीं है। आर्तो का तो एडवोकेट हूँ गुवाहाटी हाईकोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में। तो ये केस जो है 2019 का है, जहाँ पे एक FIR फाइल किया था पुलिस स्टेशन में, जिसको SIT में परवाट किया गया है। जो SIT का केस में केस रजिस्टर्ड होके इन्वेस्टिगेशन किया, और उस FIR में ये एलिगेशन दिया है कि लोमा यमा एंटरप्राइजेज जो है जिसका ओनरशिप है प्रोपराइटर है हवा बगंग है, वो रॉन्ग प्रिजम्पशन में इनका नाम डाल के FIR में इन्वेस्टिगेशन हुआ, केस रजिस्टर्ड हुआ। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और बाय द IO ऑफ द केस देन द एलिगेशन का अगेंस्ट में हमारा प्रेसिडेंट आपसू श्री नेमली श्री हवा बगंग डिफेमेशन शूट फाइल किया है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द केस एंड इन्वेस्टिगेशन में ये रिजल्ट आया है कि यहाँ में लोमा यामा एंटरप्राइजेज जो है वो किसी और का है फर्स्टली, सेकेंडली हवा बगंग का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो इसलिए चार्जशीट में पुलिस का रिपोर्ट में
डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने का बाद ये रिजल्ट आया है कि हवा बगन का यहाँ पे कोई कुछ नाम नहीं है, और जो एलिगेशन जिसको दिया है यहाँ पे जो भी एक्यूज पर्सन है, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गया, अभी वन सार जीते थे, ये तो आप लोग भी कोर्ट से ऐसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम लोग से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और जिस केस रजिस्टर्ड को इन्वेस्टिगेशन करने का बाद ये रिजल्ट आया है कि एक्यूज इसमें मेनली फर्स्ट एक्यूज पर्सन जो है रोहित दास है, और सेकेंड जो है वन अमर कुमार सिंह, और थर्ड जो है रूपम सैकिया, एंड ये तीनों जो है सारा डॉक्यूमेंट्स यूज किया, फेक नेम सिमिलर एंड आइडेंटिकल नेम एम एस लोमा योमा एंटरप्राइजेस को खोल के उन लोग जो है मास्टर प्लान किया है और कॉन्स्पायरेसी हेच किया, नाम को यूज किया है, और मेरा ये लोमा योमा एंटरप्राइजेस जो है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो हवा बगन का नाम से, तो उसका मिसयूज करने के लिए सिमिलर एंड आइडेंटिकल एक फर्म खोल के सारा ट्रांजेक्शन किया गया है। तो उस ट्रांजेक्शन करने का तहत सारा चीज़ को इन्वेस्टिगेशन किया है, इवन हम लोग डिफेमेशन भी केस फाइल किया है 2019 में। तो इसमें कोर्ट ने ये पाया गया है कि नहीं, ये डिफेमेशन बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो इसलिए हम लोग जो है डिफेमेशन केस को भी क्लोज करना पड़ा कोर्ट से। तो वंस चार्जशीट इज फाइल, एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियरली मेंशन इन द चार्जशीट कॉपी एंड मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। अभी ये स्टेज में किसी को इस तरह एलिगेशन देना सोशल मीडियाज में, ट्विटर्स में, और किसी का फेसबुक अकाउंट में किसी को पूरा सोशल मीडियाज में वायरल करना, ये कानूनन जुर्म है। और इससे क्लैरिफिकेशन देने के बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आप बढ़ कर क्या चाहिए, ये तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन, वन ऑफ द एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन डन बाय द एसआईटी, जो हमारा जो स्टेट का एक एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इसमें जो बढ़कर और आपकी क्लैरिफिकेशन क्या चाहता है, इनका एक चीज़ भी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होने पर भी किसी को इस तरह एलिगेशन देना वो कानूनन जुर्म है, और इसको एवरी एंगल से कंडेम करना चाहिए। और जहाँ से ट्रांजेक्शन की बात है, जितना करोड़ की ट्रांजेक्शन किया है वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली लिखा है, किस इंसान को कौन सा अकाउंट में किसको ट्रांजेक्शन किया है, सारा चीज़ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ना ही इसमें एक टुकड़ा भी मेंशन है कि हवा बगन जो है एक रुपया भी यहाँ से लिया है, ना ही हवा बगन का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ना ही एक सिंगल वर्ड भी है कि यहाँ में इन्वॉल्वमेंट है। बस के एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो लोमा यामा का तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, पर उसमें इन्वेस्टिगेशन वाला ये क्लियर कट और क्लीन चिट दिया गया है कि नहीं, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि लोमा यामा एंटरप्राइजेज जो है उसका प्रोप्राइटर जो है, जैसे इन्होंने बताया कि एक आकाश दोलो बोल के उसका नाम से फर्म खुला गया है। जब पेक नेम खुला है तो आखिर खुला तो कौन खुला है, वो तीनों लोग खुला है, आखिर उस मनी ट्रांजेक्शन किया भी है तो कौन किया है, ये तीनों एक्यूज पर्सन नहीं किया, ना ही इनका जो हवा बगन का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही किसी और का इन्वॉल्वमेंट है। आपने मनी जो है, जो मनी ट्रायल इसको जो स्पेसिफिकली बोलता है लीगल लैंग्वेज में, ये मनी ट्रायल जो है जो भी किया है ये तीनों एक्यूज पर्सन ने ही किया है। तो इससे और बढ़कर आखिर क्लीन चिट और चाहिए तो अभी ये दुनिया में कहाँ से लेके देंगे, ये पुलिस रिपोर्ट ही एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है, सारा चीज़ इसको क्लियर करने के बावजूद भी अगर किसी को एलिगेशन इस तरह देता है तो इसको हर एंगल से, हर ये से कंडेम करना है, और लीगल रिकोर्स जो है ऑप्शन अवेलेबल है, वो ऑलवेज टू ऑफन है, वो तो किसी का पक्ष में भी इनिशिएट कर सकता है।